ये मैं पूरा ओवरव्यू दे देती हूँ आपको ये पैराडाइज बीच का। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं चुनंबर बोट हाउस, वहाँ से हम लोग फेरी लेंगे और पैराडाइज बीच के लिए। तो पैराडाइज बीच काइंड ऑफ आइलैंड है, एक आइलैंड है। तो वहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए आपको बोट का ही सहारा लेना पड़ता है। वहाँ पर आप किसी व्हीकल से नहीं पहुँच सकते हो। तो पहले हम लोग वहाँ जाएंगे, पहले हम चुनंबर बोट हाउस जाएंगे और वहाँ से फिर पैराडाइज बीच। तो जो जो एक्टिविटीज़ हम लोग करेंगे और पैराडाइज बीच का इस ब्लॉग पे मैं पैराडाइज बीच का जो भी जैसा है सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप इन्जॉय करिए। और अभी बज रहे हैं 9:30, तो अप्रॉक्सीमेट हम लोग को वहाँ पहुँचते 30 मिनट तो लग जाएगा। और पहुँच के जो भी डिटेल है जैसा है सब कुछ मैं इस वीडियो पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आज का ब्लॉग आप इन्जॉय करें, तो मेरे साथ बने रहिएगा ब्लॉग पे। तब के लिए मैं चलती हूँ। तो हम लोग पार्किंग एरिया में पहुंच गए हैं चुनंबर बोट हाउस के। तो यहाँ से पहले हम लोग टिकट लेंगे फेरी के लिए, और जब तक 30-40 पीपल एक साथ नहीं हो जाते फेरी में तब तक फेरी स्टार्ट नहीं होती है। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है यहाँ से चलने में हमें पैराडाइज तक पहुँचने में। तो आप बने रहिए। तो चुनंबर बोट हाउस से हमारी फेरी जो है वो स्टार्ट हो गई है, निकल चुकी है पैराडाइज बीच के लिए, और हमें पहुंचने में 20-30 मिनट लगेंगे वहां तक। तो इसकी जो टिकट चार्जेस है, चुनंबर बोट हाउस से आपको टिकट लेनी पड़ती है फेरी के लिए, जो कि पर पर्सन 200 रुपीज़ रहती है, और ये चार्जेस जाने और आने दोनों के रहते हैं। तो हमको सिर्फ 10 मिनट ही वेट करना पड़ा और उसके बाद फेरी स्टार्ट हो गई। तो हम पैराडाइज बीच पहुंच चुके हैं, पैराडाइज आइलैंड पहुंच चुके हैं, और आगे आगे देखिए मैं सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाती हूं। तो आप वीडियो पे बने रहिए। तो ये मैं पूरा ओवरव्यू दे देती हूँ आपको ये पैराडाइज बीच का। यहाँ पर रेस्टोरेंट है, एक्टिविटीज़ है, रेस्टरूम है, अभी तो भूख लगी हुई। तो पहले तो हम लोग कुछ खाने वाले हैं। ये बीच देख रहे होंगे आप, इस आइलैंड में ये इकलौता रेस्टोरेंट है जहाँ पर कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो चलिए कुछ खा लेते हैं पहले। रेत इतनी गर्म है
सुबह के 11:30 बज रहे हैं और यहाँ बहुत तेज़ धूप है। ये देखिए फुटबॉल कोर्ट भी बना हुआ है, आप खेल सकते हो। आज मंडे का दिन है तो उतना रश नहीं है और सैटरडे संडे को यहाँ पर बहुत रश रहता है। अभी तो बीच साइड पे जा रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा बहुत पानी से खेलेंगे, थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट वगैरह करेंगे। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, बिल्कुल चिलचिलाती हुई धूप है। कैप वगैरह तो डाला हुआ है, लेकिन लेट्स सी, थोड़ा बहुत इन्जॉय करेंगे। देन उसके बाद अगर ज़्यादा गर्मी लगेगी तो यहाँ छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं, उनमें बैठ जाएंगे। ये डबल स्टोरी हट हम लोग को पाइलक खाली मिल गया था, तो हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर बैठे काफ़ी व्यू इन्जॉय किया और फ़ोटोशूट वगैरह किया, काफ़ी अच्छा लग रहा था। पहले क्या एक कपल यहाँ पर बैठा हुआ था, हम लोग क्या सिंगल हट में के नीचे बैठे हुए थे, तो जैसे ही खाली हुआ ना तो तुरंत हम लोग ने इसको बुक कर लिया। तो ये देखिए मैं ओवरव्यू दिखा देती हूँ, ये ऊपर से नीचे तक ये ऐसा था और ऐसे सिंगल हट हम लोग को पहले हम लोग बैठे हुए थे, तो जैसे ही खाली हुआ तुरंत हम लोग इसको बैठ गए। तो 1 घंटे तो आराम से इंजॉय किया, व्यू इंजॉय किया, रेस्ट किया, पानी वगैरह पिया और कुछ स्नैक्स वगैरह लिया था, वो भी हम लोगों ने यहीं पर खाया। अब जा रहे, पानी का बॉटल ख़त्म हो गया है तो वही पानी का बॉटल लेंगे, फिर उसके बाद फिर आ जाएंगे अगर खाली मिला तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे हट है जो खाली है वहाँ पर बैठेंगे आराम से। यहाँ 2-3 घंटे तो रुकने वाले हैं इस आइलैंड में, जिसमें से 3 घंटे तो ऑलरेडी हो चुके हैं। हम लोगों ने बीच में इंजॉय किया, थोड़ा बहुत रेस्ट किया, रेस्टोरेंट में खाना खाया और ये नारियल पानी वगैरह पिया, फिर थोड़ा बहुत वहीं पर एक्सप्लोर किया। अब थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया, अब हम लोगों ने सोचा है कि थोड़ा सा ये पूरा आइलैंड एक बार पूरा एक्सप्लोर करने के बाद फिर हम लोग फेरी लेके जो नंबर बोट हाउस की तरफ चले जाएंगे। और जो टाइम अभी और बचा हुआ है, सोच रहे हैं बाकी के और कुछ प्लेसेस जो हैं आसपास वो एक्सप्लोर करेंगे, तो जाके देखते कितना टाइम लगता है, क्योंकि जाने के टाइम पे भी आपको फेरी में थोड़ा बहुत वेट करना पड़ता है, जब तक यू नो 20-30 पर्सन नहीं हो जाते ना तब तक फेरी स्टार्ट नहीं होती। तो लकली हम लोग को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, विद इन 5 मिनट फेरी फुल हो गई थी और स्टार्ट होकर हमें चिनम्बर बोट हाउस पर पहुँचा दिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस हम लोगों ने कवर किया था वो था पौंडी ओशियन पार्क, जो कि वहाँ से 4 से 5 किलोमीटर के ही डिफरेंस में था, तो हम लोगों ने वो प्लेस भी कवर किया। सबसे पहले वहाँ पहुँच के हम लोगों ने क्या काम किया, सबसे पहले लंच किया क्योंकि बहुत जम के भूख लग रही थी, क्योंकि जो आइलैंड में एक ही रेस्टोरेंट था वो भी बहुत अनहाइजेनिक था। बड़ी मुश्किल से एक भूख लगी थी इसलिए खा लिया था। और उसके बाद यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ की, जिसमें से जिपलिंग एक्टिविटीज़ थी और साथ में जो हम लोगों ने फ़िश स्पा करवाया था, और थोड़ी देर यहाँ पर प्रॉपर्टी बहुत बड़ी थी तो एक्सप्लोर किया, और उसके बाद फिर हम अपने होटल निकल गए थे। और होटल पहुँचते पहुँचते ऑलरेडी हमें 6 o'clock हो गया था, तो हम लोग पहले तो हम लोग बहुत थक गए थे, तो 2 से 3 घंटे रेस्ट किया और उस दिन का जो पूरा टाइम था वो हम लोगों ने रॉक बीच पे नाइट में स्पेंड किया। तो इस तरीके से हमारा दिन रहा। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय।